लॉकडाउन के दौरान नगर आयुक्त अंजनी कुमार सिंह ने मंडी का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान नगर आयुक्त ने कहा कि जनता का लॉकडाउन का पालन कर रही है। नगर निगम भी अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए शहर के सभी सड़कों और गलियों को सैनिटाइज कर रहा है। सैनिटाइज के लिए निगम द्वारा 8 गाड़ियों को लगाया गया है। जहाँ गाड़ी नहीं पहुँच पाती वहाँ 2 व्यक्तियों को सैनिटाइज मशीन के साथ भेजा जाता है। नगर आयुक्त ने बताया कि महानगर के सभी वार्ड सैनिटाइज हो चुके हैं। प्रत्येक वार्ड में सफाई कर्मियों को लगाया गया है जिससे साफ सफाई बेहतर हो सके। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए नगर आयुक्त अंजनी कुमार सिंह ने कहा। ये एक अच्छी बात है कि लॉकडाउन में चूँकि यहाँ इतना फुटफॉल हो रहा है तब भी यहाँ सफाई है। हमारे लोग भी लगे हुए हैं, आपका ध्यान दे रहे हैं। अच्छा, आपने सफाई किसको दे रखा है? किरदार पर्याप्त संख्या में रखते हैं कर्मचारी? एक 11 ही रखता है। इस समय आप ही लोग मुझे हो गया। देखिए, नियमित रूप से लॉकडाउन नगर निगम गोरखपुर नियमित रूप से जो सफाई कराते थे लॉकडाउन के दौरान भी हम वैसे ही सफाई करा रहे हैं। ये ज़रूर है कि लॉकडाउन के लोग घरों से लोग नहीं निकल रहे हैं तो जिन स्थानों पर बहुत ज़्यादा भीड़ होने की वजह से कभी कभी सफाई में असुविधा होती थी, अब उन स्थानों पर भी हमारी पहुँच बहुत आसानी से बन पा रही है। तो हमने और हमारे अधीनस्थ अधिकारियों ने, हमारे सहयोगी अधिकारियों ने मिलकर एक रणनीति तैयार की है कि इस लॉकडाउन के दौरान सार्वजनिक मुख्य मार्ग के साथ साथ हम गलियों में पहुँचें। जितनी भी छोटी गलियां हैं, आंतरिक गलियां, छोटी नालियां हैं, या फिर आपने ऐसे प्लॉट देखे होंगे जहां खाली होने की वजह से लोग कूड़ा फेंक दिया करते हैं, तो ऐसे सभी स्थानों पर हम पहुंचकर इनको साफ कर सकें ताकि जब भी लॉकडाउन खुलता है तो लोगों को एक प्लीजेंट फीलिंग आए, अच्छी अनुभूति आए कि जिस शहर में हम लोग निकल रहे हैं वो शहर साफ है, सुंदर है। सर, वार्डों में कितने दिन पर सैनिटाइज किया जा रहा है? देखिए, ये लॉकडाउन और इस महामारी के दृष्टिगत स्वच्छता पर विशेष जोर दिया जा रहा है, आप जानते हैं, और सैनिटाइजेशन ने हमारा पूरा शहर सैनिटाइज करने की हमने रणनीति बना रखी है, उसी रणनीति पर चल रहे हैं। आपका प्रश्न ये है कि कितने वार्ड सैनिटाइज हो गए, इसके उत्तर में मैं कहूँगा कि सारे वार्ड कम से कम एक बार या अधिक बार सैनिटाइज हो चुके हैं, क्योंकि हमारा रोस्टर बना हुआ है। उस रोस्टर के मुताबिक बड़ी मशीनों से और हर वार्ड में 2-2 बैक रीड एंड पीठ पर लगाने वाले पंप हैं छोटे, उन मशीनों से लगातार सैनिटाइजेशन हो रहा है। तो चूँकि हर वार्ड में 2 पीठ वाली मशीनें हैं, इसके अलावा 8 मशीनें पूरे शहर के लिए है बड़ी, तो हर वार्ड में लगातार सैनिटाइजेशन हो रहा है। और इस प्रश्न का उत्तर तो यही हो सकता है कि सारे वार्ड में सैनिटाइजेशन हो चुका है। सफाई कर्मी जितने लगे थे पहले अब भी वैसे ही लगे हैं। हर वार्ड में 37 या 38 औसतन कर्मचारी हैं और उन्हीं से सफाई का कार्य लिया जा रहा है। ये ज़रूर है कि इस समय जहाँ पर लोड मुख्य मार्गों पर कम है तो हम आंतरिक गलियों और ऐसे स्थानों पर जहाँ पर वेस्ट बहुत दिन से पड़ा हुआ है सॉलिड वेस्ट, उसको साफ करने में इन कर्मचारियों को